नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुत्व में आपका हार्दिक स्वागत है। बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ और नॉलेज से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे नाक और होंठ पर तिल के होने का महत्व। नाक पर तिल के होने का महत्व। नाक के अग्रभाग पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति लक्ष्य बनाकर चलने वाले होते हैं, साथ ही साथ यह व्यक्ति भी विपरीत लिंग के प्रति बहुत आकर्षित होता है। नाक के नीचे कहीं भी तिल हो वह व्यक्ति भी अधिक विलासी होता है तथा नींद बहुत अधिक पसंद करेगा। नाक के दाहिने हिस्से पर तिल जीवन में सुख मिले, धन संपत्ति की कमी ना हो दर्शाता है। नाक के बाएं हिस्से पर तिल जीवन में संघर्ष हो, सफलता में अड़चने आए दर्शाता है। होंठ पर तिल होने का महत्व। ऊपरी होंठ के दाएं तरफ तिल हो तो जीवन साथी का पूर्ण साथ मिलता है। ऊपरी होंठ के बाएं तरफ तिल होना जीवन साथी के साथ लगातार विवाद होने का सूचक है। निचले होंठ के दाएं तरफ तिल हो तो वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ इन्हें भोजन से कोई खास लगाव नहीं होता है, लेकिन विपरीत लिंग इन्हें अधिक आकर्षित करते हैं। निचले होंठ के बाएं तरफ तिल होना किसी विशेष रोग के होने का सूचक होता है एवं ऐसे व्यक्ति अच्छे भोजन खाने तथा नए वस्त्र पहनने के शौकीन होते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने जाना नाक और होंठ पर तिल के होने का महत्व के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे ठोड़ी और गाल पर तिल होने का महत्व। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।